मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अहलीन जिससे जिनसे मीडिया के हवाले से भी, तंजीम इस्लामी के प्लेटफॉर्म से भी, अंजुमन खुद्दामुल कुरान के प्लेटफॉर्म से भी राबता रहता है, तो उनसे भी एनालिसिस करवाया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी करवाया, मसाजिद में आने वालों, दुरूस कुरान में आने वालों से भी एनालिसिस करवाया, मीडिया पर भी एनालिसिस करवाया, किस बात का कि हमारे कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में एक मरतबा कुरान का तर्जमा अपनी जुबान में मुकम्मल पढ़ा हो। दोबारा, जिंदगी में एक मरतबा कुरान हकीम का मुकम्मल तर्जमा अपनी जुबान में जो वो समझते हैं एक मरतबा मुकम्मल पढ़ा हो, तो पता है क्या परसेंटेज आइए, आप गैस करें। नहीं, जीरो तो ना कहें, वैसा तो ना कहें जी, 1% हार्डली। और ये पाकिस्तान की बात हो रही है, ये वेस्टर्न कंट्रीज की बात नहीं हो रही जहां मुसलमान माइनॉरिटीज में है। वी हैव 97% प्लस मुस्लिम पाकिस्तान, मेजर मेजोरिटी में हम, ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। ठीक, और अल्लाह ताला चाहता क्या है अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम के जरिए, हमारा और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है, कुरान हकीम फजर में, सबसे तवील कुरान जोहर में, कुरान असर में, कुरान मगरिब में, कुरान ईशा में, कुरान। 4 साल का मेरा बेटा भी नमाज में खड़ा होता तो सूरह फातिहा पढ़ रहा है, और 100+ के को बुजुर्ग भी खड़े होंगे, सूरह फातिहा और कुरान का कुछ हिस्सा ही तिलावत करेंगे। अल्लाह ने यह सिलेबस दिया मेरे और आपके लिए, 4 साल का बच्चा हो या 100+ का, 100+ का बुजुर्ग हो, फजर कुरान, जोहर कुरान, असर कुरान, मगरिब कुरान, ईशा, हम कहां खड़े अंदाजा कर ले।